कोरोना के बारे में कर लेते हैं। नहीं, वो भी बताया, ये आज ही कोरोना की बात भी कर लेते हैं। सभी लोगों को कोरोना होने का मूल कारण क्या है वो समझना चाहिए। सभी श्रावकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, मोक्षियों के प्रति, देश के, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, इसलिए आज ये बात रखना चाह रहे हैं। जितने भी लोग सुने और आगे सुने, उन्हें एक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आज के बाद योगा से जुड़ना जुड़ना ही है। जितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वे वहां से लौट नहीं रहे कुछ। जिन्हें बेड नहीं मिल रहा, वे बाहर मर रहे हैं। जिन्हें बेड मिल रहा, वे अंदर मर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मोदी जी क्या करेंगे और मुख्यमंत्री क्या करेगा, कुछ नहीं। जब जब शॉर्टेज है इंजेक्शन की, तो वो तो ब्लैकमेलिंग भी होगी, रिश्वतखोरी भी होगी, भ्रष्टाचार भी होगा, चोरी भी होगी, और उनकी घटनाएं आ रही हैं अखबारों में। मैंने इंजेक्शन में काय का पानी भर दिया, वो काय का कोरा पानी भर दिया, या वो ग्लूकोज का पानी भर दिया, मैंने वो सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैंने बहती गंगा में हाथ धो रहे सब। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट मैंने, ये कोई अपने पास शरण नहीं है कि अपन बेड और हॉस्पिटल मिल गया तो बहुत धन्य हो गए, चाहे नेतागिरी के बल पर या पैसे के बल पर। मैंने बता, बेटे को बचाने के लिए 40,000 रुपये दो उसने वो खरीदे और वो दोनों नकली। 40,000 रुपये नकली, इसका मतलब बाहर की गलती नहीं, तुम्हारा पुण्य कितना खराब है। तुमने कितना धोखा दिया हुआ अपने को, अपने जैन शासन को, कि तुमने 40,000 रुपये खर्चा करे, 1,500 रुपये के, 1,500 रुपये के वो इंजेक्शन के लिए 40,000 रुपये खर्चा करे, वो दोनों नकली निकली। मैंने पुण्य पाप का उदय, बिना पाप के तो कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। तो एक तो अंदर में सावधान हो, पाप नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तुम भी कभी किसी धोखा मत दो, रिश्वत खोरी मत करो, न्याय नीति से जीवन जियो। ऐसे समय में भी वे लोग स्वस्थ हो रहे हैं, काफी लोग पुण्य बनते हैं तो हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को दोष देने में समय खराब नहीं करें, नंबर 1। डॉक्टरों को दोष ना दें, डॉक्टर भी आदमी है, वो उसके हाथ में कोई आयु कर्म नहीं तुम्हारा, या साधा वेदनी कर्म नहीं। मुझे उन्हें ये 24 घंटे डॉक्टर करे क्या? और जो मीडिया वाले हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उपगुहन करने की जरूरत है। इस समय डॉक्टर 24 घंटे लगे सवा सवा साल से, रात से रात और दिन से दिन। अब नींद उन्हें भी आ जाती है, हर आदमी को हर मिनट में नए नए आदमी आ रहे, तो पूरा पूरा ध्यान देना, अवेयर करना। तब उनके भगवान तो है नहीं, वे रोबोट है नहीं, तो मीडिया को भी उपगुहन करना चाहिए, उनकी पीड़ा समझना चाहिए। और जिनके पेरेंट्स से गुजर गए, कुछ घटना है, तो मारपीट इसका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक पेरेंट पेशेंट गया और 500 पेशेंट पड़े और डॉक्टर भग गए वहां से, मान लो नौकरी छोड़ के चले गए, नर्स चली, वार्ड बॉय भग गए, तो तुमने एक के लिए, एक अपने पेरेंट्स के लिए 500 मरीजों को और मरने में सहायक हो गए, 500 की गैस और खत्म करवा रहे। ये सहायता, एक तो सहयोग होना चाहिए प्रशासन को। जैन समाज को जितने भी संसाधन हैं, इस समय पूरे संसाधन दान में मत लगाओ, मंदिर बनाने में मत लगाओ, सबसे पहले मानवता की रक्षा करो, अपने सहधर्मियों की, अपने आस पड़ोस की। मुझे बहुत अच्छे अच्छे केस पढ़ने को मिल रहे हैं, मुस्लिम बंधु हिंदुओं की दाह संस्कार करने ले गए, उनके रिश्तेदार नहीं आए, वो मुसलमान ले गए, गुरुद्वारे में सिलेंडर बांट रहे हैं ऑक्सीजन के। इंदौर में 600 का बेड खोल दिया उन्होंने,
स्वामीनारायण राधा स्वामी सत्संग वालों ने, राधा स्वामी सत्संग वालों ने 600 बेड का वो और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे, फला कर रहे और सब मन कर रहे। इसलिए अपने सबको भी, जैन समाज को भी, पूरी मानवता की सेवा करना इस समय पहला काम। ये बाहर की बात हुई, थोड़ी अंदर की बात करो। जो लोग स्वस्थ हैं वे लोग भी स्वस्थ होने पर भी एक तो योगा प्रतिदिन करें, दूसरा अपने भोजन में 70% सूप सब्जी सलाद फल रखें और 30% अनाज रखें। 30% अनाज माने यदि आप अभी सूप सब्जी सलाद नहीं ले रहे थे, 6 रोटी खा रहे थे आप, तो 2 रोटी खाइए और बाकी पेट सूप सब्जी सलाद से भरिए। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ऑक्सीजन खूब बनेगी, ऑक्सीजन खूब मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं। एक तरफ योगा करेंगे, एक तरफ शुद्ध हो जाएंगे। इन दिनों में गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में कोई भी भजिया बनाना, पक्का भोजन बनाना, तल तल के खाना, खूब नमकीन खाना, मिठाइयाँ खाना ये नहीं करना। पिछली बार तो हमने ये बताया था कोविड से क्या क्या फायदे हुए, देखा जाए तो हमारे जैन धर्म के सारे नियम आज फॉलो किए जा रहे हैं। चाहे पानी छानना हो, चाहे कपड़ा बदलना हो, चाहे हाथ धोना हो, चाहे चौके की शुद्धता हो, गेहूं मसालों को 3-3 बार धोना हो। कोरोना के डर से तो हम कर ही रहे हो, हम तो पहले ही कह रहे थे करना चाहिए, धुला हुआ खाओ, 3 बार फल धो के खाओ, सीधे बाजार के फल लेके मत खाओ, हॉस्पिटल के कपड़े बदलो। अब सब बदल रहे, देखो पूरे कपड़े बदल रहे। तो एक बात ये हुई, एक बात ये है कि हम जैन हैं और प्रेम भाव हो सब जीवों से, हम कोरोना के जीवों की भी हत्या करने की नहीं सोचें। हम हत्यारी नहीं हैं, यदि हम पवित्र हैं, भक्ति वाले हैं, महावीर भगवान भक्ति करते हैं, शुद्ध खान पान है, शुद्ध रहन सहन है, तो हमारा पुण्य ही इतना अच्छा होगा कि हमें कोरोना से कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी शर्त है, न्याय नीति, भक्ति, भोजन की शुद्धता, प्राणायाम, योगा और जनसेवा, दान आदि, इतनी शर्त है। न्याय से कमाना, योग्य खाना, आहार विहार निहार, ये सब शर्त है। कोरोना फिर कुछ नहीं करेगा आपको, एक इस बात का ध्यान रखें। जिनको थोड़ा भी कफ हो, जिन्हें थोड़ा भी कफ हो वे तत्काल भोजन बंद कर दें। थोड़ा भी कफ हो, फेफड़े हों, दोनों नाक नहीं खुल रही हों, मुंह खुल के सांस लेना पड़ रही हो, जिन्हें पहले से अस्थमा के पेशेंट हों, अस्थमा वालों को तब तक भोजन नहीं लेना चाहिए अनाज का, तेल की, शक्कर, नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को। डायबिटिक हों उन्हें भी नहीं लेना है ये सब चीज़ें। पोहा बिल्कुल नहीं छूना है, बेसन नहीं छूना है, अनाज लेना ही नहीं है। कोई सा भी बीमार हो, हार्ट का, डायबिटीज का, अस्थमा का, इन्हें अनाज तब तक नहीं लेना जब तक पूर्ण स्वस्थ ना हो जाए। भले ही आज आप स्वस्थ हो लेकिन आपको थोड़ी भी तकलीफ है तो आप बिल्कुल अनाज पहले बंद कर दीजिए। योगा करिए, आराम करिए, अच्छी भक्ति करिए। दिन भर कोरोना के समाचार में पढ़ते रहिए, उससे आपकी साइकोलॉजी से संक्रमण होता है, आकर्षण होता है पुण्य का, साता वेदनी का आकर्षण होता है, साता असाता में बदल जाती है। फिर वो भूत चढ़ जाता है सपने में भी, वही घबराहट, जी मर गए, भी मर गए, भी नहीं। उसकी बजाय 2-4 घंटे स्वाध्याय करो, भक्ति करो, आचार्य कुंकुम स्वामी की TV देखो, पिक्चर देखो, विराग जी के बनाए हुए भजन की वीडियो देखो। अब युवा हैं तो खूब बिल्कुल घर से बाहर निकल के सेवा करो, AC में मत पड़े रहो, AC में मत पड़े रहो, घर में फालतू मत रहो, काम करो। यदि बच्चे हैं तो पूरे घर के काम करो,
जन सेवा तो करो, श्रम करो खूब। तो एक इस बात का ध्यान रखना है सबका। तीनों विद्वानों को हमारी स्मृति है, मेरे को परिचय है, और बड़ा दुख है इस बात का कि तीनों में धक्का लगने जैसी बात है। तीनों बहुत अच्छे आदरणीय थे। एक नई उम्र का बच्चा था शास्त्री, तारण समाज को उससे काफ़ी अपेक्षाएं थी, तारण समाज की अच्छी सेवा कर सकता था वो। सरल बच्चा था, कोई व्यसन नहीं था, सब तीनों बहुत अच्छे थे। मैं नहीं चाहता हूँ अगले और भी विद्वानों के समाचार आ रहे हैं उन्हें कोरोना हो रहा है, तो भी विद्वान भी ध्यान देकर ये बात जरूर समझ लें, कुछ नहीं करना है। प्रातः उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम लो, भक्ति करो, ताली बजा करके भक्ति करो। आधा घंटा, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक खूब ताली बजा कर भक्ति करनी है। आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी। ताली में ऐसे नहीं बजाने, ऐसे 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 इतनी ताकत से है, ऐसे खुले हाथों से बजनी चाहिए। भक्ति करो, खूब भक्ति करो, बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है। कोरोना की फाइल आज हमने भेजी है, अभी कल परसों से हमने कोरोना में क्या क्या सावधानी रखनी पूरी लिख दिया है, क्या दवाई लेनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या व्यायाम प्राणायाम सब लिखा है उसमें। और इस मामले में बिल्कुल चूक नहीं करें, चाहे आप दवाई लें या ना लें, ना लें तो बहुत अच्छा है। चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी बीमारी, आपकी डायबिटीज़ भी होगी तो इसी सही हो जाएगी जो हमने उसमें लिखा है। यदि ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, तो भी उसी सही हो जाए। मेरी माँ ने करीब 8-10 महीने से, जिस दिन से इलाज चालू किया मेरे वाला, पहले ही दिन से दवाई बंद हो गई उनकी, बीपी की और डायबिटीज़ की पहले दिन से दवाई बंद, और मस्त रह रही, बहुत अच्छे से रह रही, बढ़िया। तो एक काम करो, सारे विद्वान हो या समाज हो, कोई भी हो, 7 दिन में कुंजल जरूर कर लो। कुंजल कौन कौन, आप पानी ले लो कुंजल, कल आप ले लेना कौन कौन, आप पानी, नमक डाल दो उसमें अच्छा सा, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक के हिसाब से, अगर 2 लीटर पानी जितना आप पी सकते हो ले लो, पियो और निकाल दो। इससे आपको 50% ऑक्सीजन मिल जाएगी, कफ निकल जाएगा, पेट का जमा हुआ सारा आप कल खुद फील करोगे, देखना कल सुबह उठ के सबसे पहले यही करना, आपको खुद फील होगी। इसके बाद आधे घंटे बाद, आधा पौन घंटे बाद 6 या 8 पत्ते तुलसी के, और इतनी सौंठ, इतना बड़ा सौंठ माने एक नाखून बराबर समझ लीजिए, इतनी सौंठ मुंह में डाल के 10 मिनट तक चूसिए, चबाइए चबाइए बस। अभी आपको भूख प्यास नहीं लगेगी क्योंकि कुंजल कर चुके हो आप। जब भी आपको प्यास लगे, भूख लगे, प्यास तो नहीं लगेगी हालांकि, लेकिन भूख लगेगी, तो उसके बाद आप 8-9 बजे जितने फल खाना है आप खा लो। एक फल 500 ग्राम तक खा लो, 600 ग्राम खा लो, 2 फल खाना है 2 फल खा लो, 3 फल खा लो खा लो। यदि आपको बहती हुई सर्दी है, बहती हुई सर्दी, तो फिर कच्चे फल मत खाओ, केवल गर्म पानी में नींबू ले सकते हो, बेल इस समय आ रहा है तो बेल खा सकते हैं, बेल खा सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो कोई बात नहीं है, लौकी सब्जियां, जो भी सब्जी मिल रही हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आधा किलो सब्जियां 1 लीटर पानी डाल के उबालो, मध्य आंच पर उबालो, करीब 15-20 मिनट 30 मिनट लगेंगे उसमें, और छान लो कपड़े से उसे। पहली कोशिश तो ये करोगे उसमें नमक नहीं डालो, हल्दी उसमें डाल सकते हो उबलते समय, अजवाइन डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, सौंठ डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं उबलते समय, छान लीजिए और चम्मच से पीजिए, चम्मच से बढ़िया भर पेट पी लो, कोई देखा 2-4 बार दिन भर में वही पी लो, आपका 50% इलाज पहले ही दिन हो जाएगा। 3 दिन में 100% इलाज हो जाएगा, डायबिटीज़ हो,
चाहे कुछ भी हो, सब सही हो जाएगा 3 दिन के अंदर। पेट साफ नहीं हो तो एनिमल ले लेंगे, एनिमल है तो बहुत अच्छा है। एनिमल जब तक नहीं मिल रहा हो तो हरट चूस ले, कोई पपीता खा ले भरपेट, तरबूज आ रहा है तरबूज खा ले भरपेट, तो वो अपने आप सफाई कर देगा सारी। भरपेट तरबूज खा लो 2 बार 3 बार 1 बार जितना खा सकते हो, तो सफाई कर देगा वो। और खूब पानी पिए अच्छे से, बस हो गया इलाज, कुछ कोरोना में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी कोई बुखार हो तो जो हम देसी करते आए वही करना है। हल्दी इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, सौंठ का पानी, जैसे करीब 20 ग्राम सौंठ डाल करके 1.25 लीटर पानी का उबाल उबाल कर 1 लीटर कर लें, और दिन भर में 4-5 बार पियेंगे, तो पीते समय उसमें मुलेठी का पाउडर डाल लें 1 टीस्पून और पी जाए, बस इलाज इतना ही करना, कुछ नहीं इसमें, बस कोरोना का इलाज इतना ही है। हाँ, वो यदि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही हो, ऑक्सीजन कमी पड़ रही हो तो मरीज को उल्टी लिटा दो, उल्टी लिटा दो। ऑक्सीजन 2% प्रति घंटे के हिसाब से 16 घंटे में 100% ऑक्सीजन आ जाएगी। किसी को भी ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो उल्टा लिटाना है। और इसका वीडियो बहुत है, क्या नाम है, प्रॉनिंग के नाम से है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख करके आप सीख सकते हो कि मरीज को कहाँ तकिया लगाना है, कहाँ उल्टा लिटाना है। उनको उल्टा लिटा दीजिए बड़े आराम से, चाहे तो थकान होगी तो आधा आधा घंटा बदल सकते हैं साइड थोड़ी थोड़ी, तो जिसको जैसी अनुकूलता पड़े। तो दैनिक भास्कर ऐप के ऊपर कल दिखाई थी प्रॉनिंग की, और इस पर भी हम डाल देंगे अभी आपको, तो आप उसे देख करके कर सकते हैं। हम सारे देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, जैनी समाज अकेले से नहीं, प्रेम भाव और सब जीवों से ये आप सब तक पहुंचाइए। और इंडिया टीवी पर रामदेव के कार्यक्रम आ रहे हैं दोनों टाइम, उस पर भी आप योगा कर सकते हो देख देख करके। कोरोना से जंग रामदेव के संग, ऐसा शीर्षक है, इंडिया टीवी पर कार्यक्रम आता है उनका। तो मैंने अच्छी चीज़ देखते रहिए, और बाकी टाइम में मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें मत देखिए। उस समय में आप धार्मिक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, प्रवचन है बढ़िया बढ़िया, वो सुनिए। मैंने कोई भी टेंशन नहीं करो, टेंशन करने से ऑक्सीजन घटती है, टेंशन करने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, बिगड़ता है। आप खूब भक्ति कर, और अंत में समाधि मन के बहुत अच्छे प्रवचन है, आप सुनते रहे। मैंने जी वीर, अब महावीर हो गया ना, महावीर तो वीरता के साथ मरो, मन नहीं है तो जब हो ही गए तो हो ही जान दे, आपका जा रहा तो जान दे दी, जब शरीर छूट रहा है छूट जान दे, समाधि करो अच्छे से। तो समाधि मन के प्रवचन सुनो, ताकत आएगी उसमें, वेद विज्ञान के प्रवचन है उसमें बहुत सारे, वो सुनो। और कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमारे इसी फ़ोन नंबर पर पूछ लें, कहने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और हम तो एक और सलाह फिर दे रहे कि जो जो लोग स्वस्थ हों और जैसे ट्रेन चले सब में सिखा जाओ। यहाँ हम रोज पहाड़ घुमाएंगे आपको, क्या मजा लो ऑक्सीजन का मजा, क्या मजा लो आपको, फेफड़े कमजोर हो जाए, संक्रमण हो जाए। हम लोग रोज चलते और मस्त रहते हैं बड़ी आराम से। तो खूब देशाटन करो, तीर्थ यात्रा में करो, जिनको सोनागिर पास है सोनागिर चले जाओ, पहाड़ पर रोज राउंड लगाओ। दक्षिण वाले पौनूर चले जाओ, पौनूर में कोई कोरोना नहीं, पहाड़ पर रोज घूमने जाओ सुबह शाम। मैं कुल मिलाकर प्रकृति के पास चले जाओ। बॉम्बे वगैरह में आप परेशान हो रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में, दिल्ली वगैरह में, तो आप अपने गाँव चले जाओ, गुजरात बिल्कुल गांव में जाओ, गांव में खेतों में काम करो, बगीचों में काम करो, खूब घूमो फिरो। पैसे वाले लोग हो तो खूब पर्यटन करो इस समय, बिल्कुल ऐसे स्थानों पर जहां पर मतलब कोई समस्या नहीं है, इंटीरियर गांव में बहुत अच्छा है।
और कुछ मेरे ख्याल से लगभग बता दी बात, कुछ और होगी तो और बता देंगे, लेकिन इतनी बात जरूर भेद विज्ञान जरूर करें। और दूध पी सकता है? नहीं, दूध बिल्कुल नहीं पीना, पोहा नहीं, मैंने बता दी कुछ भी नहीं, शक्कर नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, तला हुआ नहीं, कुछ नहीं, केवल भरपेट सूप सब्जी सलाद। और यदि बहने वाली सर्दी नहीं हो तो ठंडे फल भी खूब खाओ। मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है, मैं कहता तरबूज भरपेट खा जाओ, एक खा जाओ, दो खा जाओ दिन भर में 10-20 किलो, तो आपने आप सारा पेट साफ हो जाएगा। और एनिमा की व्यवस्था होती है, एनिमा कर लेना चाहिए, दूध नहीं लेना है, घी भी नहीं लेना है, तेल भी नहीं लेना, 3 दिन तक बस रसाहार और खाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप सही होगा। हल्दी और मेथी, इस अपने घरों की जो चीज़ें हैं, अजवाइन, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इनमें कोई तकलीफ नहीं है। शरीर कोई का कमज़ोर हो तो अश्वगंध ले सकते हैं, और बुखार हो तो गुरुवेल ले सकते हैं, वो क्या कराए चिरायता आता, चिरायता ले सकते हैं, मैंने घर की देसी चीज़ें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रसन्न रहें, भक्ति करें, और समाधि हो तो अपन सिद्धालय में मिलेंगे, चिंता नहीं कर, माना ऊंची लक्ष्य के साथ रहो। और अंतिम बात ये कहना है मुझे, अंतिम बात, पिछले 10 सालों में 7 महामारी आई, 20 महामारी पिछले 1000 वर्ष में आई, 1000 वर्ष में 20, और 7 तो अभी अभी आ गई थी 10-20 वर्षों में। गवर्नमेंट भी कह चुकी है, डॉक्टर भी बता चुके हैं, WHO भी बता चुका है कि अब अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। सबने बहुत कोशिश कर ली, एड्स खत्म नहीं हुई टोटली, सबने कोशिश कर ली, लेकिन वो कौन कौन सी बीमारियां हुई वो खत्म नहीं हुई। अभी वो कौन सी हुई थी, गठिया वाला की जोड़ वाली दर्द नहीं, वो क्या कहलाता था, अच्छी नाम था, हाँ पूरा शरीर में वैसे हो जाती थी बहुत, अब वो ठीक, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, एक के बाद एक आ रहे हैं सब। और अब जो कोरोना का एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, कोरोना का बिगड़ा रूप आया है अलग, इसलिए पूरा हिंदुस्तान इस समय परेशान। तो अभी कोरोना का नेक्स्ट वर्सन फिर आ जाएगा, यानी आप इसमें आप मत सोचिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आपको खान पान भी ठीक रखना पड़ेगा, बाजार का खाना बंद करना पड़ेगा, और जो तले पके जो आते हैं जो टेस्ट लगता है आपको, वो आपको बंद करना पड़ेगा। श्रीलंका में और एक तो पकड़ाया है, वो अगर कहीं आ गया तो, हाँ श्रीलंका में अभी तो नए नए वेरिएंट्स आएंगे, कभी लंका का आएगा, कभी इंग्लैंड में आएगा, कभी कहीं आएगा। स्वस्थ है, उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ हैं, उन्हें वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ये वैक्सीन लेते रहे, लेकिन योगा वाली, योगा वाली जरूर करते रहें, शुद्ध खान पान रखें, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर बता रहे हैं नए नए वेरिएंट्स आ रहे हो, तो बिगड़ेगी स्थिति, सुधरेगी नहीं, इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके आप प्रिकॉशन लें, विरक्त हों, स्वाध्याय बढ़ाएं, जितना कमाया उसमें संतुष्ट रहें, हाय हाय नहीं करें, भाई भाई प्रेम से रहें, समाज में खूब करुणा करें, दान करें, सटावश्यक का जीवन जिए, जिन्होंने अभी भी प्रतिज्ञा नहीं ली वो भी अब सटावश्यक की प्रतिज्ञा लें। और आज महावीर जयंती को सफल करने के लिए एक न एक नियम जरूर लें, चाहे रात्रि भोजन का त्याग करें, चाहे आलू आदि का त्याग करें, चाहे स्वाध्याय का नियम लें, चाहे भक्ति का नियम लें, चाहे झूठ बोलने का त्याग करें, बेईमानी भ्रष्टाचार का त्याग करें, मैंने एक नियम लेकर आज महावीर जयंती को वीरता के रस में बदलें, कायरता को त्यागने का छोटा सा नियम जरूर लें। सभी लोग ऐसा करें तो अपना जीवन सफल हो। ओम नमः शिवाय।